नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूँगा हिमाचल प्रदेश की तरफ से। हिमाचल प्रदेश भारत के अंदर एक राज्य है, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि एक स्कूल डिपार्टमेंट में रहेगा, यानी कि आपके टीचर्स की जॉब निकली है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल रहें वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके बारे में पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं। जैसा आप जानते हैं कि स्कूल्स के अंदर TGT भी चाहिए होते हैं, PRT भी चाहिए होते हैं, PGT भी चाहिए होते हैं और भी बहुत सारे स्टाफ चाहिए होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएगी डायरेक्ट जॉब, जो कि हिमाचल प्रदेश से आई है दोस्तों। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर पूरे राज्य भर में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है। मतलब अगर मैं बताऊँ, पूरे राज्य भर में ये जॉब रहेगी अलग अलग स्कूल्स के अंदर, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 585 लोग, 585 यानी कि 585 लोगों की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन को उनके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए, जो कि उनको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए। यानी वो लोग जो कि मास्टर्स कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, मास्टर कोर्सेज डिग्री लेके रुके हुए हैं और वो जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसी एक सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं, स्पेशली टीचर फील्ड में, तो उनके लिए इससे सुनहरा मौका तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से, या फिर ऐसे किसी भी राज्य से जो भारत में है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये जॉब है या नहीं है। वो तो आपको नोटिफिकेशन क्लियर करेगा। जब मैं नोटिफिकेशन में अगर ऐसा होगा कि आपके लिए जॉब है, तो आप भी अप्लाई कर सकेंगे, और नहीं होगी तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों के लिए ये जॉब होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है। इसके सारे लिंक इस जॉब के मैंने वीडियो के सही नीचे आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप अगर वीडियो के नीचे देख रहे होंगे, आपको फॉर्म अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशंस और साइट का लिंक भी मिल रहा होगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना होगा और अप्लाई करने के लिए आप इसको इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। आप देखेंगे व्हाट न्यू, क्या क्या नया है, व्हाट्स न्यू, तो आप इसमें देखेंगे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आ रखे हैं। आप देखेंगे लेक्चरर स्कूल न्यू केमिस्ट्री, आप देखेंगे यहाँ पे लेक्चरर चाहिए स्कूल के लिए, जो कि एक केमिस्ट्री में चाहिए, फिजिक्स में चाहिए। आप समझ सकते हैं, आप एक फिजिक्स के टीचर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स चाहिए डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार को उनके स्कूल्स के अंदर, वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इतने टीचर्स की ज़रूरत है और जो भी एलिजिबल होगा अप्लाई कर सकेगा। मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप जैसे ही नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, देखेंगे आप यहाँ से, और नहीं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके कौन कौन से नोटिफिकेशन काम के हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से आपका आज की तारीख का, आज यहाँ पर कॉमर्स के टीचर का नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है इसमें और भी नोटिफिकेशन आगे आ सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे हर दिन अलग अलग टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए करा जा रहा है। कल इन्होंने जो है बायोलॉजी के टीचर के लिए डाला था और आज इन्होंने 17 अक्टूबर को इन्होंने डाल दिया, लेक्चरर के लिए ही इन्होंने कॉमर्स के लिए डाला है नोटिफिकेशन। सेम 15 तारीख को केमिस्ट्री टीचर के लिए डाला था और फिजिक्स के लिए 14 को डाला और 13 तारीख को मैथ्स के लिए डाला। आप देख सकते हैं ये लोग धीरे धीरे अपनी रिक्रूटमेंट के हिसाब, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिक्रूटमेंट बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की इन्होंने अलग अलग दिन डाली है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, हिंदी और इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे आप देखिए हिस्ट्री के अलावा नीचे तक जाते हैं हम यहाँ पर, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर नोटिफिकेशन सारे आपके जो भी स्कूल टीचर्स के हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वो सारे आपके काम के रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यानी यहाँ आपका ये 8 तारीख से लेके 8 तारीख से अब तक के जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे ही आपके काम के हैं, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतने सारे नोटिफिकेशन डिस्कस करना वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री और हिंदी के टीचर का नोटिफिकेशन डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में 115 टीचर्स की ज़रूरत है और हिंदी सब्जेक्ट के लिए 117, जो कि बाकी कंपेरिजन नोटिफिकेशन में इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर हिंदी वाले को डिस्कस करने और फिर हम हिस्ट्री वाले को डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं हिंदी वाले में क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म जो है आप 13 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे, आखिरी फॉर्म 13 नवंबर तक इसमें फिल होगा, रात के 12 बजे तक। आप इसमें डेट देख सकते हैं, आज का नोटिफिकेशन है हिंदी वाला भी, और इसमें मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन करेंगे, यानी आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे इसमें, और इसमें 117 पोस्ट आपके लेक्चरर हिंदी के लिए रहेंगे, क्लास 3 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए इनको, इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, मतलब ये आपकी एक परमानेंट जॉब तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, लेकिन 117 लोगों को लिया जाएगा हिंदी के लेक्चरर के लिए। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो कैंडिडेट मस्ट रीड, पहले आप अपना पूरा नोटिफिकेशन जान लें, एलिजिबिलिटी सब कुछ जानने के बाद ही इस फॉर्म को भरना, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैंडिडेट एलिजिबल तभी माना जाएगा जब वो 10वीं और 12वीं पास होगा अपने किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट से जो कि हिमाचल प्रदेश का होगा, मतलब कि आप समझ लीजिए हिमाचल प्रदेश राज्य के जो भी स्कूल होंगे, आपने उस स्कूल से उस इंस्टीट्यूट से 10वीं या 12वीं पास करी है तभी आप एलिजिबल रहेंगे। ये आपको यहाँ पे क्लियर करा गया है और बोला गया प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज, मतलब ये नहीं कहा जा रहा हिमाचल होना, हिमाचलीज होना ज़रूरी है, लेकिन हिमाचल के स्कूल से आपने अगर हिमाचल के किसी भी स्कूल से 10th या 12th पास करा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बेनिफिट जो रिजर्वेशन कैटेगरीज को मिलते हैं वो SC ST OBC और इन कैटेगरी वालों को मिलेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी में होंगे, क्योंकि ये एक स्टेट जॉब है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के लोगों को ही रिजर्वेशन देगी जिनके जिनके पास उनके राज्य में रहने के साथ साथ उनके रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं। तो मुझे लगता है आप इतना तो समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या क्या पॉइंट कह रहा हूँ। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट होंगे वो स्टेट जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे विल बी ट्रीटेड जनरल, यानी आप समझ सकते हैं कि आप दूसरे राज्य से हैं, मतलब मान लीजिए आप मान लीजिए दिल्ली से गए, पंजाब हरियाणा जैसी जगहों से गए हैं, हिमाचल प्रदेश में अपनी ग्रेजुएशन करने चले गए, 10th 12th क्लास करने के लिए चले गए, तो ऐसे में बोला गया है कि आपका यहाँ पर 10th 12th या कोई भी क्वालिफिकेशन हो, या आप अगर दूसरे राज्य के होंगे तो आप एक जनरल कैटेगरी वाले में लिए जाएंगे, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। विल नॉट बी एडमिसिबल टू सच कैंडिडेट। अब बात करते हैं इन नो इन सर्विस रेगुलर सर्विस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अनलेस, आपको देखिए आप अगर पहले से ही कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपना फिल करके वहाँ से साइन स्टैम्प करवा के सबमिट करेंगे, जिससे कि ये उनको क्लियर हो जाए कि आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, आप भर देंगे एक बार इस जॉब की तो आपकी फ़ीस वापस नहीं आएगी, तो सोच के भरना। ईमेल ID मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए जो कि हर जगह होती है। शुड ऑल्सो गिव देयर, आपको आधार नंबर देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ये ऑप्शनल रहेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। तो मतलब आप समझ गए होंगे दूसरे राज्य वाले जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे, वो एक जनरल कैटेगरी में लिए जाएंगे। बात करें एज प्रूफ आपका बताएगा 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट जो भी आपका एज बता रहा है वही आपका एज माना जाएगा, और +2 का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा यानी 12वीं का, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के सर्टिफिकेट और साथ में आपकी जो डिग्रीज होंगी और उसके अलावा आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो सब यहाँ पर चाहिए होंगे। इसके अलावा बात करता हूँ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जैसे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ से, आप देख लीजिए अगर आप दूसरे राज्य में है ना, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, केरला कर्नाटका में रह रहे हैं, मान के चलिए आप यहाँ रह रहे हैं, तो आप ऐसा करना दोस्तों आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट मत लगाना, आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति में हो तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म मत लगाना, क्योंकि आपको जनरल में जनरल ही लिया जाए। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस रिजर्व, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में लेना चाह रहे हैं वैकेंसी को तो आप एक हिमाचली होने का सर्टिफिकेट देंगे कि आप हिमाचल के निवासी हैं और साथ में आप एक SC ST या किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपको क्लियर हो रहा है। ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इनकी इन पॉइंटों की वजह से भी रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है आपकी।
नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट जो है हायर एजुकेशन रहेगा हिमाचल प्रदेश का, और लेक्चरर चाहिए इनको हिंदी के लिए। 117 वैकेंसियाँ दी हैं टोटल, यूआर कैटेगरी से 47 वैकेंसी दी हैं इन लोगों ने जो कि गवर्नमेंट में चाहिए, और यूआर कैटेगरी में ही जो कि वार्ड्स ऑफ फ्रीडम जो कि आपके फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से आ रहे हैं, उनके जनरेशन वाइज फैमिली के अंदर से आ रहे हैं, उनके लिए एक वैकेंसी है। एससी कैटेगरी वालों के लिए 23 वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश के, एससी और एसटी के लिए एक वैकेंसी रहेगी एसटी के लिए, बीपीएल वालों की 4 वैकेंसी है। इस तरीके से आप समझ लेंगे टोटल लेवल 12 रहेगा, यानी कि 43,000 रुपये से लेके 1,46,36,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो 50,000 रुपये मिनिमम आपको मिलने ही वाले हैं जॉब पर, क्योंकि 43 मिनिमम बोलिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिनिमम कोई नहीं देता है, थोड़ी बहुत ऊपर उसमें देते हैं, तो आप इसको 45 या 48 तक भी ले जा सकते हैं मिनिमम में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यही रहेगी, कैंडिडेट का बोला गया है कि वो फॉर्म भर सकता है इंडिया में कहीं से भी, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा लास्ट डेट से पहले, यानी कि आप 13 नवंबर से पहले पहले फॉर्म भर देना, इसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं और क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, तो थोड़ा और आगे चलेंगे हम इसमें। तो ये कुछ नोट में कुछ पॉइंट है, हम एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 45 एज होनी चाहिए। अगर आप किसी एससी एसटी में रहेंगे और हिमाचल के होंगे तो 5 साल उसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे, डिसेबिलिटी वालों के 10 साल बढ़ जाएंगे, ओबीसी वालों के 3 साल बढ़ जाएंगे। ये एक जनरल क्राइटेरिया होता है, मैंने देखा है और ऑलमोस्ट यही फॉलो होता है हर स्टेट में। ये 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी देखी जाएगी। अगर आप 1 जनवरी 2023 में 18 के हो चुके हैं या उससे पहले ही हो चुके हैं फॉर्म भर सकते हैं, 45 के अगर आप हो चुके हैं इससे पहले तो आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि यही डेट आपकी चेक होगी। क्लैरिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने जैसा बोला एससी को मिल जाएंगे 5 साल, एसटी को मिल जाएंगे 5 साल, और यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों को मिलेंगे 10 साल। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है, उनको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेंगे, तो जो कि रूल हैं वो मैंने आपको बता दिए। बात करें मास्टर डिग्री चाहिए होगी हिंदी सब्जेक्ट के अंदर और बैचलर डिग्री चाहिए होगी इन बीएड के अंदर, बीएड एजुकेशन करा हुआ होना चाहिए कैंडिडेट, मतलब बीएड पास्ट जॉब जरूरी होता है आपके टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर बोला अगर आपने बैचलर डिग्री करी है बीएड के अंदर एजुकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री करी है 2 साल इन 2 ईयर इंटीग्रेटेड में, यानी आपने एमएससी और एम एड ये दोनों मिलाकर कोर्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं बी टेक और एम टेक भी, मतलब आप देखेंगे तो ये मिलाकर आपके कोर्स होते हैं आजकल कॉलेजों में। इसमें आप बताएं 2 साल का अगर आपने डिग्री करा है आपने इंटीग्रेटेड, जो कि एमएससी रहा हो और एम एड का रहा हो मिलाकर, तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा, और मास्टर डिग्री हिंदी वाला भी रहेगा। मास्टर डिग्री हिंदी होना तो ज़रूरी ही है, बैचलर डिग्री बीएड में हो सकती है या फिर बाकी जो दिया गया वो हो सकती है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि नॉलेज रहे आपको कस्टम्स की, मैनर्स की और डायलैक्ट्स की ऑफ हिमाचल प्रदेश की, और सुटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पीक्यूलियर कंडीशंस, मतलब कहा जा रहा है आपको जनरली नॉलेज हो कि किस तरीके से जॉब करते हैं और हिमाचल प्रदेश के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो कि वहाँ पर किस तरीके से लाइफस्टाइल है, कैसे लोग रहते हैं, वो सब आपको पता हो। हाउ टू अप्लाई मैं आपकी बात करूँ तो अप्लाई कैसे करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वही सेम पॉइंट बार बार इसीलिए दिया जाता है क्लियर रहे आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑफलाइन में मत भरना, अगर कोई कैंडिडेट कोई कह दे आपको आपके गली मोहल्ले में कभी कोई मिल जाए और ये कह दे कि मैं आपको इसका फॉर्म अवेलेबल कराऊंगा फ्री में, आप फॉर्म भी फ्री में भरेंगे, तो ऐसा मत मानना क्योंकि ऑफलाइन में रहेगा ये आपको मैंने यहाँ बता दिया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें ओटीआर होगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस जॉब के लिए ओटीआर लिया जाएगा, ओटीआर रहेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस एग्जाम के लिए रहेगा, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी आगे फ्यूचर में कोई भी जॉब निकालती रहेगी तो आप उनके जॉब्स पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट जॉब का फॉर्म भर सकेंगे, इसीलिए ओटीआर होता है। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी ओटीआर प्रोवाइड कराती है, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर और कुछ एक आईडी प्रूफ जैसी कुछ कॉमन डिटेल्स चाहिए होती है, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और वो एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है और वन टाइम होता है, मतलब एक ही बार होता है लाइफ में। और वो इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर पाते हैं आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, चेंज करने का भी 1 से 2 चांस मिलते हैं, वो भी मैंने देखा है, मैक्सिमम एक ही मिलता है जगह पे, ज़्यादा जगहों पे, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें बोला गया है अब फीस की बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म की फीस 400 रुपये ली जाने वाली है हर लड़कों से और हर लड़कियों से, अगर बात करें मेल कैंडिडेट से, या फिर आप अगर डिसेबिलिटी में भी आ रहे हैं किसी भी, तो आपसे 400 रुपये ही लेंगे फॉर्म के। रही बात वो लोग
जो कैंडिडेट दूसरे राज्यों से हैं और वो किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं वो भी 400 ही देंगे, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो आप 100 रुपये पे करेंगे फॉर्म के, और एक्स सर्विस मैन फॉर्म के पैसे पे नहीं करेंगे। मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर फ्रॉम द डिफेंस, मतलब मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं लेकिन आप एक्स सर्विस मैन हैं, यानी कि आप नेवी आर्मी फोर्सेज में काम करे हैं, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है फॉर्म की, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट जो भी रहेंगे वो फॉर्म का फीस नहीं देंगे, ये यहाँ पर बोला गया। हिमाचल सरकार ये कह रही है कि कोई भी महिलाएं फॉर्म का फीस पे नहीं दे रही हैं यहाँ पर, चाहे आप वो किसी भी राज्य से हों। पेमेंट मोड का ऑनलाइन रहेगा, डेबिट कार्ड से करें, यूपीआई से करें, क्यूआर कोड स्कैन करके करें, क्रेडिट कार्ड से करें, किसी भी तरीके से करें, वो आपकी चॉइस है। बात करते हैं एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज़ की, बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आपका होगा धर्मशाला और मंडी और शिमला, ये तीन ऐसी सिटी हैं इन जगहों पर, ये हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होगा इस जॉब का, और आप दूसरे राज्य से भी इसी जगह पर जाके अपना एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पर इन केस ऑफ सीबीटी एग्जाम सेंटर सेल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, और एनी वेयर कहीं अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ ये आपका तो हिमाचल प्रदेश राज्य में कहीं भी हो सकता है, और अगर कंप्यूटर बेस्ड नहीं हुआ तो आपका इन्हीं तीन जगहों पर एग्ज़ाम होगा। ई एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्ज़ाम के बाद होगा, इस जॉब पर एग्ज़ाम होगा आपका। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम बोला गया है आपका डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, या फिर कंप्यूटर में, या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है। इन सच केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन। कमीशन आपका करेगी क्या, दो तरह का आपका पेपर देगी, दो तरह के आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर दे देगी, विद नेगेटिव मार्किंग। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रख देगी यहाँ पर, कि आपके अगर गलत आंसर करें तो गलत मार्क्स पर नंबर काट लेंगे, मतलब गलत क्वेश्चन पर मार्क्स काटेंगे। बात करें कंप्यूटर बेस्ड अगर एग्ज़ाम होता है या ऑफलाइन में भी रहता है, तो इसमें आपका 1 घंटे का ड्यूरेशन में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसके 100 नंबर रहेंगे, जिसमें आपको जनरल नॉलेज रहेगी हिमाचल प्रदेश की, क्वेश्चन रहेंगे इसमें 30 नंबर का रहेगा, जनरल नॉलेज नेशनल की और इंटरनेशनल अफेयर की रहेगी 30 नंबर के, नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज हिंदी लैंग्वेज की 20 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, 20 मार्क्स का रहेगा। और ये पेपर जो आपका रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा ओनली, एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू 35% मार्क्स, मतलब अगर बात करूँ 100 नंबर में से जो भी 35 नंबर ला रहे होंगे वो पास हो जाएंगे इस पेपर में, और वो लोग पेपर 2 देंगे, जो 35 से कम लाएंगे वो पास नहीं माने जाएंगे। 35 लाना जरूरी रहेगा, और 35 मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन हैं और उसमें से आपके 35 लाने हैं, यानी कि 50 का अगर वो 35% 35 हो रहा है तो फिर 35 का हाफ कर लेंगे आप, यानी कि ये करीबन 17 से 18 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्ट कर रहे हैं आपको 50 में से, जो जब जाके आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट पेपर आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका अगर ये हिंदी की वैकेंसी आप देख रहे हैं, हिंदी टीचर की है, तो वो हिंदी के बेस पर आपका सिलेबस होगा एग्ज़ाम में, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, और सिलेबस जो डिसाइड करेगी कमीशन डिसाइड करेगी, समय समय पर वो डिसाइड करती रहती है। कैटेगरी वाइज जोन वाइज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 1 to 5 एंड 6 एंड अबव। मैं आपको बताना चाहूँगा रेशियो यहाँ पर ये रहेगा 1:2, यानी कि जितनी वैकेंसियाँ हैं उसका 2 गुना ये लोग ले लेंगे आपके आगे, मतलब पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम करा लिया और पेपर 2 के बेस पर सिलेक्ट करा, सिर्फ 2 गुना लोगों को, जैसे 117 की ज़रूरत है तो यहाँ पर इन्होंने 234 लोगों को ले लिया डायरेक्ट आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें से ये लोग लेंगे उतनों को ही जितनों को जॉब देनी है, बाकियों को हटा देंगे, लेकिन एक तरीके के तौर पर ये लोग डबल को सिलेक्ट करेंगे। बायलैंग्वल पेपर देंगे आपका, क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में देंगे, और इसके अलावा इंग्लिश वर्जन आपका फाइनल वर्जन होगा, मतलब कि अगर आप किसी वर्जन में कोई चॉइस नहीं लेते हैं, आप कह देते हैं आप जो मर्जी, आप एक डिफ़ॉल्ट वर्जन जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो इंग्लिश होगा, और बाय लैंग्वेज में हिंदी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ये यहाँ पर लिखा है।
आप क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, उनमें से जो भी करेक्ट होगा आप उसको टिक करेंगे, और ये ऑनलाइन में भी होगा या फिर इसको पेपर में लेंगे तो ये OMR बेस्ड सीट पर लेंगे, क्योंकि रिटर्न करवाना बेकार हो जाएगा भाई। आप MCQ को भी अगर रिटर्न में भी अगर आप पेपर पर लिखवा लिखवा कर ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये ऑफलाइन में आपका OMR होना चाहिए, यहाँ पर ऑफलाइन मोड इन्होंने बताया नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर आंसर की, में आप 500 रुपये भर रहे होंगे हर क्वेश्चन के, अगर आपको लगता है कि कोई पर क्वेश्चन मतलब आपको हर 100 रुपये भरने होंगे आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन। आपको मान लीजिए आपके एग्जाम होने के बाद आपको लगा आंसर की में कुछ गलत है तो आप ऑब्जेक्ट करेंगे, तो उस ऑब्जेक्शन में 100 रुपये देंगे हर क्वेश्चन पे अपने ऑब्जेक्शन को जाहिर करने के लिए, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ सकें, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं होती है कि मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन अगर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का था तो उसमें से जैसे आपने देखा था 50 क्वेश्चन थे तो और मार्क्स उनके ज़्यादा थे, यानी कि 50 क्वेश्चन जो थे 100 मार्क्स के आ रहे थे, यानी कि वो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, तो उसके आपके 0.5 मार्क्स काटने वाले हैं। वो जो क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का होगा 0.25 मार्क्स उसका काट लिया जाएगा, यानी कि वो उसका चौथाया हिस्सा होता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ये सारे पॉइंट जरूरी हैं, इसको जरूर आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में, आपका स्क्रीनिंग होगा एग्ज़ाम हो जाने के बाद, स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको अपने मार्कशीट्स की, सर्टिफिकेट्स की, फ़ोटो आईडी सब सब कुछ ओरिजिनल दिखाने हैं, एग्ज़ाम जो आपने फॉर्म भरा है इसका भी प्रिंट दिखाना होगा वहाँ पर। सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस आपका अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, हो जाएगा, शॉर्टली बोला है तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होता है आपको वो प्रोवाइडेड रहेगा वीडियो के नीचे। और कैटेगरी क्लेम मत करना, आपको कैटेगरी क्लेम अगर आपको करनी है, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं और हिमाचल प्रदेश के हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्लेम करने के लिए आप अपना सर्टिफिकेट जरूर फॉर्म के साथ लगा देना जिससे कि वो क्लेम हो जाए। एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के अगर एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए भी फायदे हैं तो वो यहाँ दिए गए हैं। थोड़ा इसमें एक और पॉइंट आ जाता है EWS के लिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके लिए कुछ लिखे गए हैं पॉइंट। हम इसको डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर राज्य में कॉमन ही होते हैं हर कैटेगरी के लिए, बस कुछ ही जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बैकवर्ड कास्ट कर दिया है, अदर बैकवर्ड कास्ट की जगह उन्होंने SEBC कर दिया है, BC कर दिया है, बैकवर्ड कास्ट कर दिया है, MBC कर दिया है, तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया बना के अपना कुछ अलग ही बना रखा है। तो ये आपका दिख रहा होगा, ये इस तरीके से इन्होंने सेट करे हुए हैं अपने अपने राज्य में, इन्होंने अलग ही तरीके का माहौल बना रखा है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, माहौल कह लीजिए या फिर जो भी कैटेगरी होती है उसको इस तरीके से बताया गया है जैसे होती हैं, मतलब उस राज्य में उनको जैसा दिख रहा है कि ये कुछ ज़्यादा पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं तो उन्होंने उस हिसाब से उसकी कैटेगरी बनाई है। तो ये गवर्नमेंट के रूल हैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब आपका हो रहा है पूरे राज्य भर में। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत देना दोस्तों, अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना फॉर्म के अंदर भी, डॉक्यूमेंट भी करेक्ट देना, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया ये स्क्रीनिंग होती है इन सब चीज़ों की, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाते हैं, वहाँ फेल हो जाता है कैंडिडेट अगर मान लीजिए वहाँ गलत डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो जॉब चली जाती है आज से, तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा। बाकी ये पॉइंट है आपके कुछ सर्टिफिकेट्स में, ये सारी चीज़ें आप रेडी करना, अपने BEd का सर्टिफिकेट रेडी कर लेना, मार्कशीट्स रेडी करना, लेकिन बता दूँ मास्टर्स करा हुआ होना जरूरी होगा दोस्तों यहाँ पर, जैसा लिखा हुआ था ऊपर मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, एब्रीविएशन अगर आप देखेंगे जहाँ पर भी HP था उसका मतलब हिमाचल प्रदेश था, और PSC का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन था, UR अनरिजर्व कैटेगरी को कहा जा रहा था। अगर आप बीच में जहाँ पर भी आपने देखा होगा जहाँ पर आप OTR देख रहे थे उसका मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, और BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को BPL कार्ड के हिसाब से
जाना जाता है, उनको उनके पास प्रूफ में बीपीएल कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके दिए गए हैं जितने भी, और उनके फुल फॉर्म भी बताए गए हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था हिंदी वालों का। अब हम थोड़ा थोड़ा हिंदी वालों के बाद चलते हैं हिस्ट्री वालों पे। हिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर चाहिए, हिस्ट्री के लिए 115 लोग चाहिए यहाँ पर जॉब पे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहेंगे। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पर भी हमें कॉमन मिलने वाले हैं कैटेगरी वाले और बाकी एलिजिबिलिटी के, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे अगर बात करें पोस्ट की, और यहाँ पर वैकेंसी आप समझ लेंगे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। सैलरी इनकी भी देख लेंगे आप, 43,000 मिलेगी इनको भी जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे स्कूल्स में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर हैं सेम वही जो मैंने वहाँ डिस्कस करे थे, इनकी एज भी सेम रहेगी वही अप्लाई करने की, और डेट वही रहेगी 1 जनवरी वाली। यहाँ पर इनकी इनके इनके पास मास्टर डिग्री हिस्ट्री में होनी चाहिए और साथ में बीएड करे हुए होने चाहिए ये कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करेंगे, या फिर आप एमएससी एमएड वाले भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाले भी हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री की मास्टर डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लिंक बताने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई करेंगे इसमें। फॉर्म का फीस सेम रहेगा इस जॉब के लिए भी जैसे उसकी उस वाले हिंदी के लिए लिया जा रहा है सेम। ये एग्ज़ाम भी 3 ही जगह होगा, और ये भी ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको बताए गए हैं सेम वही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर पेपर 2 चेंज हो जाएगा, ये आपका हिस्ट्री के बेस पर रहेगा, वो हिंदी वाला था, ये हिस्ट्री का पूरा पेपर रहेगा और 100 नंबर का पेपर होगा ये। इसमें भी ये लोग करेंगे क्या कि नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 6 एंड अबव, यहाँ पर ये कह रहे हैं 1:2 के बेस पर ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट को। और ये पेपर 2 और 1 हो जाने के बाद ये दोनों पेपर को देखकर उसकी मेरिट बना देंगे और सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करके जॉब दे देंगे। यहाँ पर स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट वेरीफाई एग्ज़ाम के बाद होंगे, जैसे कि हिंदी में भी हो रहे थे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप जैसे कि पेपर देने जा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा रहे हैं, तो आपको कोई आने जाने का खर्चा और महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, आप खुद के खर्चे पर जाएंगे अपने वेरीफाई कराने डॉक्यूमेंट्स को और एग्ज़ाम को देने के लिए। सिलेबस अभी हिस्ट्री का भी नहीं आया, हिस्ट्री टीचर का, वो भी आपको आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मिड नवंबर तक फॉर्म जाएंगे, और उसके बाद आपको मिड नवंबर तक आपका इसका सिलेबस आ रहा होगा, यानी आप समझ सकते हैं ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर के करीब जाकर होने वाला है। और बाकी ये कुछ पॉइंट हैं, ये देखिए यहाँ पर भी वही एब्रीविएशंस के बारे में बताया गया है। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया है हिस्ट्री के टीचर के लिए, यानी अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लेक्चरर के तौर पर पढ़ाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन के तहत स्कूल्स के अंदर, आप देख सकते हैं स्कूल के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी आप सैलरी देखेंगे 43,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, और वो भी कंफर्म मिलेंगे, मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने से या परमानेंट होने से आपके सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा दिख रहा है यहाँ पर मुझे, इस वजह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये। लेकिन जॉब तो रेगुलर ही है आपकी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहे, मतलब कि भले ही एक सीमित समय के लिए रहे जो कि एक फिक्स समय नहीं है, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी रहेगी, फ़ायदे जो और होंगे वो भी मिलेंगे, और इस तरीके से आपकी जॉब रहेगी। कुल मिला के बात करूँ तो ये गवर्नमेंट जॉब है, फ़र्क इतना है परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। आगे चलते हैं, ये आपका अप्लाई करने के लिए रहेगा, आप यहाँ पर आके इस जॉब पर अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आके ही आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड तो तब डालेंगे जब रजिस्टर हो जाएंगे, पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरीके से अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और ये सारे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देते हुए और यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाते हुए आपको एक पासवर्ड बनाना है और रजिस्टर कर लेना है। तो
तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए काफ़ी सिंपल है, तीन चार डिटेल डाली, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर कुछ फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, फॉर्म सबमिट हो गया, बस हो गया जॉब के लिए अप्लाई। इस तरीके से अप्लाई हर कैंडिडेट कर सकेगा पूरे भारत से। तो ये पूरा इस जॉब के बारे में डिस्कस हो चुका है। और मैं आपसे अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर पूरे इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई तेलंगाना वाला अप्लाई करेगा या फिर तमिलनाडु वाला अप्लाई करेगा, बिहार वाला करेगा या दिल्ली का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट अप्लाई करेगा। इन्होंने डायरेक्ट बोला है ऑल इंडिया जॉब है, लेकिन आप एक जनरल कैटेगरी के तौर पर लिए जाएंगे दूसरे राज्य से। ये आपको क्लियर हो गया है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आपको आने वाले वीडियो चाहिए, वो कोई से भी टॉपिक हो सकते हैं दोस्तों। और इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को पूरे भारत भर में फैलाएं। आप अगर दूसरे कंट्री से देख रहे हैं और आपको आपको लग रहा है कि ये आपके काम की जॉब नहीं है या आपके काम की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं जिनको ये जॉब काम आए। साथ में इसको उन सब लोगों तक पहुँचा सकते हैं इंडिया में जिनको भी आप जानते हो, जिनको भी जॉब की ज़रूरत हो। इसको जितना हो सके शेयर करें पूरे इंडिया में, क्योंकि जिससे कि फॉर्म के लास्ट डेट से पहले जो भी एलिजिबल हो वो अप्लाई कर पाएँ। तो मैंने आपको बता दिया, अगर टोटल इसमें वैकेंसी की बात करूँ तो 585 यानी कि 585 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और कॉमर्स का टीचर भी आएगा, यहाँ पे हिस्ट्री का टीचर भी आएगा और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी है। और इसमें बात करता हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी रहेंगे। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स के टीचर्स लिए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि मेरे को दिख रहा है काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है अलग अलग टीचर्स के लिए। पूरे राज्य भर में चलेगा ये, और इसमें तीन सिटियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको क्लियर हो चुका है सेंटर के बारे में भी और एक एक चीज़ के बारे में। कोई डाउट हो तो ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।